पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार के साप्ताहिक संगीत संध्या के इस विशिष्ट काव्य सम्मेलन में आज हम राजस्थान के विलक्षण साहित्यकारों के साथ सुकून की क्लास में उपस्थित हैं। हमारी सुकून की क्लास रविवार को होती है क्योंकि रविवार ही तो देता है सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य करने की हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा। आज के रविवार के हमारे सुकून की क्लास में राजस्थान की माटी की सुगंध बिखरेगी क्योंकि इस सुगंध को बिखेरने के इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए हमने आमंत्रित किया है जयपुर राजस्थान की उत्कृष्ट साहित्यकार सलोनी क्षितिज रस्तोगी जी को। सलोनी क्षितिज जी के संयोजन में आज के इस कार्यक्रम में विलक्षण साहित्यकार जो कि अपने सृजन की कांतिवान मणिमुक्ताओं से इस मंच को सजाएंगे वे सभी उपस्थित हैं और ऐसे हमारे विलक्षण साहित्यकार हैं जयपुर राजस्थान से ही जीनस कंवर जी, दयावती चारण जी जालौर राजस्थान से, मान कंवर मैना जी भवानीपुरा सिकर राजस्थान से, झुंझुनू राजस्थान से सीमा लोहिया जी हमारे साथ हैं, संध्या बक्सी जी जयपुर राजस्थान से, अंजना मनोज गर्ग जी कोटा राजस्थान से और डॉक्टर समृद्धि शर्मा जी पुनः पिंक सिटी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में है। रविवार सुकून की क्लास के हमारी टीम के संध्या जैन श्रुति जी एवं आशुतोष तिवारी जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सभी का रविवार की सुकून के क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना हार्दिक स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि रविवार के सुकून की क्लास की हमारी टैगलाइन कि जीवन की एक रास्ता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, गुलदस्ते में कागज के फूल भी अच्छे लगते हैं और इसके साथ ही आज के इस बेहतरीन काव्य संध्या के संचालन हेतु बहुत ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय सलोनी क्षितिज जी। नमस्कार, मैं सलोनी क्षितिज रस्तोगी जयपुर राजस्थान से। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी शिक्षक काव्य दीप्ति मंच रविवार सुकून की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कोरोना महामारी से या किसी भी बीमारी से, जीवन में लाचारी से या अधूरी तैयारी से, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी मन की हार से या दुश्मनों की वार से, महंगाई की मार से या शिक्षा के व्यापार से, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी अधूरे विश्वास से या अज्ञानता की बात से, साधनों के अभाव से या सामाजिक आघात से, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। करें जीवन में संज्ञान, बच्चों में आह्वान, निर्मल पावन मन को दे शिक्षा का वरदान, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, अब पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। इस परिकल्पना और नवाचार हेतु आदरणीय प्रमोद जी श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम समन्वय हेतु आशुतोष जी तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साहित्य एवं शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत इस विशिष्ट मंच पर आज की साहित्यिक संध्या में कार्यक्रम संचालन और संयोजन हेतु मैं सलोनी क्षितिज रस्तोगी आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ वीणा पाणी की आराधना के साथ कि वो हम सभी के लेखन पर, लेखनी पर अपना आशीष बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माँ शारदे की वंदना। ज्ञान का वरदान दो माँ, करते हैं आराधना, मुक्त
तू मन पुलकित हृदय तनु अब यही है प्रार्थना, ज्ञान का वरदान दो माँ करते हैं आराधना, हम बने तेरे उपासक तेरा ही गुणगान हो, दूर कर अज्ञान तम को ज्ञान का वरदान दो, बुद्धि विद्या भक्ति भर दो अब यही है प्रार्थना, ज्ञान का वरदान दो माँ करते हैं आराधना, जीत लें हम इस जगत को तेरी भक्ति शक्ति से, ज्ञान के आलोक से माँ तृप्त कर दे सृष्टि को, मुक्त मन कलुषित हृदय को अब यही है प्रार्थना, ज्ञान का वरदान दो माँ करते हैं ये प्रार्थना, कंठ से गाऊं सदा मैं सप्त सुर की रागिनी, लेखनी मेरी लिखे रचना सदा सुखदायिनी, कह सलोनी धन्य कर दो अब यही है प्रार्थना, ज्ञान का वरदान दो माँ करते हैं आराधना, करते हैं आराधना, करते हैं आराधना। करोगे जब यकीन खुद पर जहां कदमों में आएगा, मचलती लहरों से न डर धुंध मोती ही लाएगा, कहीं बिजली चमक कर भी आसमां को डराती है, सूर्य जब भी चमकता है रात ही मुंह छुपाती है। जी हां, आज शिक्षक दीप्ति काव्य मंच पर उपस्थित मैं सलोनी क्षितिज रस्तु की कुछ ऐसी ही नवोदित रचनाकारों के साथ में आप सभी के बीच में हूँ, जो अपनी सशक्त लेखनी के साथ अपनी काव्य प्रतिभा को हमारे सामने ला रही हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। सबसे पहले हमारे बीच में है जीनस कवर जयपुर राजस्थान से, जो अनेक काव्य मंचों और साहित्यिक मंचों से जुड़कर अपनी काव्य प्रतिभा को उजागर करती रही हैं। साथ ही हैं दयावती चारण जालौर राजस्थान से, आप व्याख्याता के पद पर कार्य करते हुए साहित्य और काव्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान रखती हैं। तमस कालिमा दूर भगाता, दीपक जलकर ही लौ पाता, तब के कुंदन सोना बनता, मानव तब आभूषण बनता। जी हाँ, मानकवर मैना जी भवानीपुरा सीकर राजस्थान से, माटी की खुशबू बिखेरती अपनी रचनाओं के साथ जयपुर आकाशवाणी के साथ साथ अनेक गरिमामय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। सीमा लोहिया जी झुंझुनू राजस्थान से, अनेक साझा संग्रहों के साथ अनेक पुरस्कारों के अपने नाम करती, अनेक मंचों पर अपने साहित्यिक सृजन के साथ में अलग ही पहचान रखती हैं। संध्या बख्शी जयपुर राजस्थान से, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हुए अपनी सृजन से अपने उपस्थिति को हम सभी के बीच में अलग ही पहचान कराती हैं। घुटन सीने की ही तुझ में जगाती आग जीने की, तपा वो ही बना कुंदन जहां में जगमगाता है। जी हाँ, अंजना मनोज गर्ग जी कोटा राजस्थान से, अपनी भावनाओं और सहृदय भावों को कविता के रूप में ढालना ही जिनका परिचय है, साहित्य के क्षेत्र में नई आशाओं के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर समृद्धि शर्मा जयपुर राजस्थान से,
शिक्षिका के रूप में कार्य करने के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी और लेखन में आप अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं इन सभी नवोदित रचनाकारों को जो माटी की खुशबू बिखेरती हुई अपनी सहृदय लेखन से हम सभी के बीच में अपनी एक खास उपस्थिति पहचान रखती हैं। नमस्कार, मैं जीनस कवर जयपुर से आज आपके समक्ष मेरी कविता जिसका शीर्षक है सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं लेकर उपस्थित हुई हूँ, सुनिएगा। जब जब एहसास के स्पंदन मुखरित शब्द विरल होकर मन के दरवाजे पर दे देते हैं सहज सरल हो दस्तक, तब सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं। अक्सर तमन्नाएं सवाल करती हैं, बेवजह जुनूनी फसाद करती हैं, मनप्रीत रीत की बात करती हैं, मीठे संवाद बेहिसाब करती हैं, तब सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं। सुबह पंखुड़ियों पर इठलाती शबनम का दीदार हुआ, जब बर्फीली सर्द हवाओं में गर्म ऊष्मा का संचार हुआ, तब सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं। हवा रंगीन फिजा में घुली सुरीली लय, किसने रज रज कर भर दिया तन मन में अनोखा राग कोई, मेरे गीतों के उन्वान तुम्ही से हुए तब सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं। जो अतीत दर्द व्यतीत बीत चुका है अधशेष में नहीं ठहरना गवारा मुझे, आने वाले शुभ शेष सोच करती हूँ आगे बढ़ने का उपचार कोई तब सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं। जितना लिखती हूँ लौटाने की कला बढ़ती ही जाती है मन के अंदर, जन्म लेती हैं रचनाएं हो जाती हैं लिपिबद्ध। समय के चमकते नम माथे पर बो देती हूँ उपजाऊ बीज कोई तब सच कहूँ मैं रचती हूँ कविताएं। मैं देवती चरण एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। रे मन बाव रे तू क्यों व्याकुल होता जाए रे, रे मन भाव रे तू क्यों व्याकुल होता जाए रे, दो पल की है जिंदगी क्यों चिंता में बिताए रे, दो पल की है जिंदगी क्यों चिंता में बिताए रे। कोई नहीं है संगी साथी अकेले ही जाना है, कर ले नेक कर्म तू इनसे ही नाम कमाना है। मत उलझ मोह माया में ये खुद को ही सताए रे, दो पल की है जिंदगी क्यों चिंता में बिताए रे। मत कर अभिमान माया का न जाने कब छूट जाएगी। मत कर गुरूर तन का ये काया भी रूठ जाएगी। माया काया का भरोसा नहीं सुख दुख आए जाए रे। दो पल की है जिंदगी क्यों चिंता में बिताए रे। कर ले ध्यान प्रभु का सृष्टि की गोद में जाकर झांक ले अंतर मन में एकांत में ध्यान लगाकर सब कुछ यहीं रह जाएगा
क्यों मन को ललचाए रे, दो पल की है जिंदगी क्यों चिंता में बिताए रे, दो पल की है जिंदगी क्यों चिंता में बिताए रे। नमस्कार, मैं मानकौर मैना भवानीपुरा खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान से आज आपके सामने प्रस्तुत है कविता जिसका शीर्षक है मेरी भी चाहत। मेरी भी चाहत है कि स्वयं का एक मुकाम हो, मेरी भी चाहत है कि स्वयं का एक मुकाम हो, मेरे नाम की भी अपनी अलग एक पहचान हो, मेरे नाम की भी अपनी अलग एक पहचान हो। 5 दशक गुजार दिए अपनों के लिए जीते जीते, 5 दशक गुजार दिए अपनों के लिए जीते जीते, रहा ना ख्याल कभी अपना दिन काम काज में बीते, रहा ना ख्याल कभी अपना दिन काम काज में बीते, भोर भये उठना और फिर दिन भर की भागा दौड़ी, भोर भये उठना और फिर दिन भर की भागा दौड़ी, चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि अपनी फिक्र की ना थोड़ी, चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि अपनी फिक्र की ना थोड़ी, जो छूट गया सो छूट गया, जो छूट गया सो छूट गया, अब आगे तो संभाल लूँ, जो छूट गया सो छूट गया, अब आगे तो संभाल लूँ, कदम बढ़ा अपने हिस्से का, कदम बढ़ा अपने हिस्से का, मैं समय से हिसाब लूँ। बहुत पहचानी जा चुकी मैं पिता पति और पुत्र से, बहुत पहचानी जा चुकी मैं पिता पति और पुत्र से, तंग आ चुकी मैं अब इन रूढ़िवादी परंपराओं से, तंग आ चुकी मैं अब इन रूढ़िवादी परंपराओं से। मेरी भी चाहत है कि स्वयं का एक मुकाम हो, मेरी भी चाहत है कि स्वयं का एक मुकाम हो, पिता पति और पुत्र की मेरे नाम से पहचान हो, पिता पति और पुत्र की मेरे नाम से पहचान हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा लोहिया झुंझुनू राजस्थान से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक कविता लेकर के जिसका शीर्षक है गुजारिश। लुटा दो तुम खुशियों के मोती, लुटा दो तुम खुशियों के मोती, गम है लम्हात ना बिताने पड़े, लुटा दो तुम खुशियों के मोती, गम ये लम्हात ना बिताने पड़े, तुम्हारे ही ख्यालों की, तुम्हारे ही ख्यालों की ख्वाबीदा आँखों को, तुम्हारे ही ख्यालों की ख्वाबीदा आँखों को विरह अश्रु के ना बहाने पड़े, विरह अश्रु के ना बहाने पड़े। पिला दो तुम जाम खुशियों के, पिला दो तुम जाम खुशियों के, खुमारी में जो कोई झूमना चाहे, खुमारी में जो कोई झूमना चाहे, मिलन अमी लोलुप को, मिलन अमी लोलुप को पल मृग्ध रसना से ना बिताने पड़े, मिलन अमी लोलुप को पल मृग्ध रसना में ना बिताने पड़े। लगा दो तुम सोपान, लगा दो तुम सोपान, ख्वाबों की गुंबद शिखर छूना चाहे, लगा दो तुम सोपान, ख्वाबों की गुंबद शिखर छूना चाहे, तुम्हारी इस सौपन उन्मादी को, तुम्हारी इस सौपन उन्मादी को बदहाल अधूरे ना छुटाना पड़े। खाद दो, खाद दो तुम स्नेह की जमी को, खाद दो तुम स्नेह की जमी को, प्रेम वलरी बढ़ना चाहे, अपनेपन की वांछनीयता में, अपनेपन की वांछनीयता में तलक उपेक्षा से ना मुरझाने पड़े, अपनेपन की वांछनीयता में तलक उपेक्षा से ना मुरझाने पड़े। सीख लो तुम
सीख लो तुम नैनों की भाषा, सीख लो तुम नैनों की भाषा, अनलिखा भी कोई पढ़ाना चाहे। सीख लो तुम नैनों की भाषा, अनलिखा भी कोई पढ़ाना चाहे। आसान वित निगाहों को, आसान वित निगाहों का स्नेह निमंत्रण, आसान वित निगाहों का स्नेह निमंत्रण लफ्जों में ना सुनाना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम संध्या बख्शी है और मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है प्रयास का पंछी। वो सोचती थी कि परिचय उसका बस इतना ही है, वो सोचती थी कि परिचय उसका बस इतना ही है कि वे उनकी बेटी है, इनकी पत्नी है और उसकी माँ है, कि वो उनकी बेटी है, इनकी पत्नी है और उसकी माँ है। वो सोचती थी कि झाड़ू बुहारी से बुहार देगी अपनी अभिलाषाएं, कपड़ों के साथ ही धो ढालेगी सफ़ेद पोशों के काले मन, और आलू प्याज की तरह छांट लेगी दुख के सागर से सुख की सीपियां। वो सोचती थी कि सिलाई मशीन से सिल देगी बकबक करने वालों के मुंह, वो सोचती थी कि सिलाई मशीन से सिल देगी बकबक करने वालों के मुंह, और इंच टेप से नाप लेगी संयुक्त कुटुंब में परस्पर कद करती ईर्ष्या की लंबाई। वो सोचती थी कि स्वेटर की सिलाइयों पर ही बुन लेगी अनगिनत सपने, और बटन की तरह टांक लेगी अनंत मौन प्रतीक्षा। वो सोचती थी कि जैसे बर्तन घिसने से निकल आएगा कोई अलादीन वाला जिन, कि जैसे बर्तन घिसने से निकल आएगा कोई अलादीन वाला जिन, और नहीं तो इसी खटपट में ढूंढ लेगी वो मधुर संगीत, और गुनगुनाते हुए बिता देगी संपूर्ण जीवन। एक रोज़ चाय की तरह खोल गई सहन शक्ति, एक रोज़ चाय की तरह खोल गई सहन शक्ति, तब उसने भी ली एक फुर्सत की चुस्की, तब उसने भी ली एक फुर्सत की चुस्की, अधखुली खिड़की से थोड़ी सी रोशनी उसके लिए बच गई, अधखुली खिड़की से थोड़ी सी रोशनी उसके लिए बच गई, कल्पना उसकी कुछ नया रच गई, कल्पना उसकी कुछ नया रच गई। उलझनों के पिंजरे से आज़ाद हुए इस प्रयास के पंछी का इतना साथ आप देना, कि वो गाए तो आलाप लेना, वो गाए तो आलाप लेना, वो नाचे तो ताली संग थाप देना, और वो लिखे तो छाप देना। नमस्कार, मैं अंजना गर्ग कोटा से। मैंने ये कविता बरसात में आसमान में छाई हुई काली घटा के ऊपर लिखी है। व्योम तरणी पर घन घटा चली चली, जलधि का जल उर्मे भर फूली फली, शीतल बयार सन करे मीठी भर कहीं, इतराई इथलाई सी जा रही बही बही, विस्तृत नव में यूं भ्रमण रही, तात अंक में तनिया जो विचर रही, वृक्ष पात भी व्याकुल हो रहे, शाखों में भरने को आकुल हो रहे, दुग्ध सम उज्ज्वल श्वेत गन घटा, मनोरम सृष्टि छाई सुंदर छटा, सलिल बोझ से अलसित गर्भिणी सी, विराट व्योम में प्रवाहित निर्जननी सी, रुको मेरी बदली बस यहीं बरस जाओ, तत्ते पक्षी व्यहों को तृप्त कर जाओ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समृद्धि शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेखौफ नादा परिंदे। मैंने एक कविता जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, और उस कविता में ये एक जवाब है उन सारे जुमलों के प्रति, जो वो जुमले हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उन बच्चों पर कसे। तो मेरी जो कविता है वो एक जवाब के रूप में है, और वो जवाब है बेखौफ नादा परिंदे उड़ने को पंख पसारे, नजर दूर बहुत दूर क्षितिज पर, उम्मीदों का आसमां मुट्ठी में भरकर निकल पड़े हैं, अस्तित्व पर उठे प्रश्न चिन्ह का जवाब देने छोड़कर उन्मुक्त उड़ान, संध्या तक आशिया में घुसने वाले, नाप लेंगे
नाप लेंगे असीम विस्तार, नित माँ के पल्लू में दुबक कर छुप कर रोने वाले। जवाब देंगे वो, जवाब देंगे तमाम प्रतिस्पर्धा का, थक कर घबरा कर चुप बैठने वाले। बना देंगे यही इतिहास किसी दिन, आज सूनी सूनी सी आंखों को लिए फिरने वाले। नई पौध है, अब देखिए ये नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, तो नई पौध है, नए विचार हैं, मन मस्तिष्क में स्फूर्ति का संचार है। मिले अगर एक लघु अवसर, एक छोटा सा भी अवसर यदि नहीं मिल जाए तो मिले अगर यदि एक लघु अवसर, दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे ये नित ही दुत्कारे जाने वाले, ये नित ही दुत्कारे जाने वाले। सभी को डॉक्टर संध्या जैन श्रुति का प्यार भरा नमस्कार। शांति और सुकून रहेगा, सद विचार हो मन में, शांति और सुकून रहेगा, सद विचार हो मन में, साहित्यिक संयोग जुड़ा है हम सबके जीवन में, साहित्यिक संयोग जुड़ा है हम सबके जीवन में। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच जबलपुर मध्य प्रदेश के परिकल्पनाकार आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी की परिकल्पना ने अब बृहत आकार ले लिया है। देश विदेश के रचनाकारों ने इसमें सहभागिता की है। अनेक रचनाकारों को यह सार्थक मंच मिला और अब सभी की सहभागिता के साथ ही संचालन संयोजन की सहभागिता ने परिवार की तरह रिश्तों को प्रगाढ़ करना आरंभ कर दिया है। यद्यपि अनेकता में एकता ही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आदरणीय प्रमोद जी के प्रति। बहुत सारा धन्यवाद है राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी बहुत ही सहज सलोनी क्षितिज रस्तोगी जी, जिन्होंने आज कार्यक्रम की संयोजना की एवं संचालन किया। आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता, जिन्होंने आज अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से इस मंच को सजाया है। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ YouTube चैनल के माध्यम से सुनने वालों को एवं सराहना करने वालों को। पुनः पुनः सभी के प्रति आभार।